हमारी पहचान हमारे उत्सवों से होती है। दीपों का उत्सव दिवाली हो या रंगों का त्योहार होली, हम भारतीय जीवन के हर रंग को उत्सव के साथ मनाते हैं। यहाँ हर धर्म जाति के लोगों के अपने अपने विशेष उत्सव हैं, जो देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। पर हमारे देश का एक ऐसा उत्सव भी है जो धर्म जाति के बंधनों से मुक्त कर न सिर्फ पूरे भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधता है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का जन्मोत्सव है। कुरुक्षेत्र हरियाणा को गीता जयंती मनाने का विशेष सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की इसी पावन धरा पर ही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का अमर संदेश दिया था। स्वच्छंद ज्ञान दायिनी गीता का जन्मोत्सव माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत में इस दिन को मोक्षदा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आज भी मानवता विषाद अवसाद ग्रस्त अर्जुन की भांति है, और आज भी श्री कृष्ण का उपदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। इसी शाश्वत कालजयी दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुरुक्षेत्र में वर्षों से गीता जयंती मनाई जाती रही है, और अब गीता जयंती ने भव्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्वरूप ले लिया है। कुरुक्षेत्र गीता की जन्मस्थली है, भारत की गर्वस्थली है। यहाँ हम हर वर्ष गीता जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस कदम की प्रासंगिकता, लोगों में नैतिकता, सद्भावना व सांस्कृतिक मूल्यों का पुनरुत्थान करना है, और हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रयास भारत की अखंडता को अनंत काल तक बनाए रखने में कारगर साबित होंगे, और हरियाणा सदैव इसके लिए सार्थक प्रयास करता रहेगा। इस उत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र में आने वाले पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अद्भुत धरोहर को देखने का अवसर मिलता है, जो इस देश के गौरवशाली अतीत को प्रदर्शित करती है। वैसे तो गीता जयंती की प्रतीक्षा गीता जयंती के समाप्त होते ही प्रारंभ हो जाती है। कोई प्रतीक्षा करता है मेले में खरीदारी की, तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने की। बच्चे प्रतीक्षा करते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने की, और भक्तजन करते हैं भक्ति रस में डुबकियां लगाने की। चारों ओर चहल पहल, रंग बिरंगे प्रकाश से सजे विशाल सरोवर का दृश्य बेहद अलौकिक और अद्भुत लगता है, मानो दुल्हन की तरह सजा हो ब्रह्म सरोवर। इतने विस्तृत सरोवर के चारों ओर दुकानें सजती हैं और शिल्प मेले लगते हैं। शिल्प मेले में संपूर्ण भारत के कलाकार, चित्रकार, कुंभकार, मूर्तिकार तथा अन्य हस्तशिल्प विशेषज्ञ भी भाग लेते हैं, जो इस महोत्सव के दौरान अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। भारी संख्या में दर्शक कुरुक्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इस अवसर पर चित्रकारी और रंगोली के शिविर भी दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहते हैं। कहीं भक्ति में भाव विभोर करती गूंज, तो कहीं वात्सल्य रस में लिपटी कृष्ण लीलाएं, कहीं संगीत की तरंगों से तरंगित वातावरण, तो कहीं मधुर गायन की गुंजार, कहीं कवियों की ओजस्वी वाणी, तो कहीं छात्र छात्राओं के नृत्य में थिरकते पग,
तो कहीं गीता के श्लोकों की गरिमामयी वाणी मन को आनंदित करती है। इस महोत्सव के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संगठन जैसे जियो गीता, चिन्मय मिशन, इस्कॉन, विवेकानंद मिशन, भारत लोक शिक्षा परिषद तथा अन्य संगठनों की प्रदर्शनियां, व्याख्यान एवं अन्य प्रासंगिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। इस महोत्सव के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में इन संगठनों की भागीदारी रहती है। इस महोत्सव के अवसर पर सायंकाल में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र एवं महाभारत से संबंधित विषयों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न वर्गों के लोग नृत्य नाटक, भक्ति गीतों और महाकाव्य से संबंधित नाट्य मंचनों की भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद उठाते हैं। विदेशी कलाकार भी इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। भारतीय और विदेशी कलाकारों की भागीदारी इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप प्रदान करती है। गीता पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश से आए गीता के मर्मज्ञ मंथन करते हैं। गीता स्थली कुरुक्षेत्र साक्षी बनती है उन विद्वत जनों की प्रतिभा की। दर्शक मंत्र मुग्ध होकर गीता पर विचार गोष्ठी के इन व्याख्यानों का रसास्वादन करते हैं। भव्य संत सम्मेलन में उच्च कोटि के तेजस्वी यशस्वी संत जनों के मुख से गीता संदेश सुनने वालों की आत्मा तृप्त हो जाती है। छात्रों द्वारा गीता का संपूर्ण पाठ गीता महोत्सव का मुख्य आकर्षण केंद्र बन चुका है। एक ही समय में विश्व के कोने कोने में श्रीमद् भगवत गीता के उपासक अपने अपने स्थान से गीता का गान कर ग्लोबल चैंटिंग का हिस्सा बनकर गीता के श्लोकों से संपूर्ण विश्व को गुंजायमान करते हैं। समारोह की पूर्णता समाहित होती है भव्य शोभा यात्रा और सांझ ढलने पर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा ब्रह्म सरोवर तट पर महा आरती और दीपदान के साथ। आरती और दीपदान गीता जयंती महोत्सव के पारंपरिक कार्यक्रम हैं, जिन्हें गीता जयंती के दिन सायंकाल को आयोजित किया जाता है। ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल में दीपों का विसर्जन पूरे वातावरण को अत्यंत आनंदमय सौंदर्यपूर्ण बनाता है। सरोवर में दूर दूर तक तैरते दिए जैसे आकाश में टिमटिमाते असंख्य तारे एकाकार होकर पंच तत्व के तीर्थ का नमन करते हैं। ये विहंगम दृश्य व्यक्ति को आत्मविभोर आश्चर्यचकित करता है। लगता है कि मानो असंख्य तारे आकाश में हैं या गीता महोत्सव मनाने कुरुक्षेत्र की धरती पर उतर आए हैं। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष मास बताया है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को गीता महोत्सव के रूप में जानते हैं और इसलिए कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। ज्ञान, कला और संस्कृति के अलौकिक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।